बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल आरपी पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाई थी हिंदी की एक बहुत अच्छी कहानी, और इसी श्रृंखला में आज हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, एक प्रेरित करने वाली, एक उपदेश देने वाली, एक कुछ आपको समझदारी की बात सुनाने वाली एक पोयम। बहुत ही सुंदर पोयम है वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उस पोएम का नाम है बच्चों ऑलवेज बट नेवर। पोएम का नाम है ऑलवेज बट नेवर, यानी कि हमेशा और कभी नहीं। ऑलवेज माने हमेशा, बट लेकिन नेवर माने कभी नहीं। यानी कि कहने का मतलब है हमेशा और कभी नहीं, इसका मतलब है कि कुछ काम तो हमेशा करने चाहिए और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। ये इस कहानी में, इस पोएम में बच्चों बहुत ही सुंदर पंक्तियों में किसी कवि ने बताया है। और मैं आपको ऐसी ओरल कहानी सुनाता हूँ, ये जो पोएम है मैं सुनाता हूँ। और आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का ढंग यही है कि पहले मैं ओरल ऐसे सुनाता हूँ कहानियाँ, बढ़िया से, चाहे पोएम हो, चाहे कोई लेसन हो या कोई कहानी हो, उसके बाद किताब पढ़ाता हूँ। आपको किताब भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि पोएम आपको पूरी पढ़ाऊँगा और आपको बखूबी एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का जो है मीनिंग बताऊँगा आपके लिए, तब आपको अच्छे से पोएम समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा किस तरह से हम शब्दों को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑलवेज बट नेवर, यानी कि हमेशा लेकिन कभी नहीं, यानी कि कुछ काम हमेशा करने चाहिए, कुछ कभी नहीं करने चाहिए। इस कविता में जो सार है, इसका वो क्या है, कवि ने बताया है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यानी ये काम हमेशा करना चाहिए। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ये कभी नहीं करना चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, यानी कि हमेशा करना चाहिए। हमें छोटों को सताना नहीं चाहिए, यानी कि ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हमें बहादुर होना चाहिए, यानी कि हमेशा करना चाहिए। हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि शर्मिला नहीं होना चाहिए, किसी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं जो कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, पंक्तियाँ जो पोएम की इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बखो भी अच्छे से हम आपको पहले इसकी मीनिंग समझाएंगे, इसका सार समझाएंगे, जैसे कि हमने अभी समझाया, फिर आपको एक एक लाइन पढ़ के सुनाएंगे, उसका अर्थ बताएंगे और फिर आपको ये पोएम पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी लगने वाली है और आप इसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की वीडियोज़ में। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। देखिए किस तरह से हम पोएम पढ़ते हैं और आप भी साथ साथ समझिए, किताब खोल के बैठिएगा अपने साथ में और साथ साथ मेरे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। अभी हमने आपको जो पोएम बता रहे थे ओरली, वो किताब है अत्यंत सीरीज इंग्लिश रीडर, इस किताब की पोएम है और क्लास सेकंड की ये बुक है बच्चों। तो हमने कहा था कि हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, किस तरह से पढ़ते हैं इंग्लिश, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से उसका मीनिंग निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 6 आपको दिख रहा है और लेसन का नाम है ऑलवेज बट नेवर, यानी कि सदैव लेकिन कभी नहीं। कहने का मतलब हमने बताया था अभी कि कुछ काम ऐसे हैं जो हमेशा करने चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। जैसा कि हमने हिंदी की कहानी पढ़ाई थी कल की वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बताया था कि कोई भी चीज़ हम पढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए उसके शब्दकोश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शब्दकोश यानी कि जो उसके मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब निकल रहा है, ये जब हमें पता होता है तो हम उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले ये जो चैप्टर है, जो पोएम है आपकी ऑलवेज बट नेवर, इसके पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो मीनिंग्स में पीछे दिए होंगे, ये मीनिंग दिए हैं देखो प्यारे बच्चों। तो सारे बच्चे अपनी किताब खोल के बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर, जहाँ भी आप हैं वहीं देख लेंगे और शुरू करते हैं। देखिए मीनिंग से समझना। तो सबसे पहले लिखा है ऑलवेज, इसको पढ़ते हैं बच्चों। ऑल देखो इसमें कितनी अच्छी बात है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन में दिया हुआ है, जो उच्चारण हिंदी में है, जो क्या पढ़ते हैं शब्द के लिए वो भी दिया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ऑलवेज, AL ऑल और WAYS वेज, इसको वेज पढ़ते हैं, इसमें ऑल जोड़ दो ऑलवेज हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ ऑलवेज, ऑलवेज माने होता है हमेशा या फिर सदैव। फिर लिखा है बच्चों लाई, LIE, इसको पढ़ते हैं लाई, देखो लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है झूठ। फिर लिखा है बच्चों बोल्ड, BOLD, बोल्ड माने होता है बहादुर, बोल्ड माने क्या होता है बहादुर। फिर लिखा है शाय, SHY, शाई माने होता है शर्माना, शाई माने शर्मीला, है ना, जैसे कुछ बच्चे शर्माते हैं पढ़ने में, टीचर बुलाता तो आने में शर्माते हैं, वो शाई बॉय होते हैं, है ना, शर्मीले लड़के होते हैं। फिर लिखा है बीट, BEAT, बीट माने होता है बच्चे, देखो बीट लिखा है, बीट माने पीटना। फिर लिखा है ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी लिखा है, देखो हिंदी में भी ड्यूटी लिखा है, ड्यूटी माने कर्तव्य,
ड्यूटी माने हमारे जो फ़र्ज होते हैं उनको हम ड्यूटी कहते हैं, कहते हैं ना ये हमारा फ़र्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं। फिर लिखा देखो क्राइम, CRIME, क्राइम, क्राइम माने अपराध, क्राइम माने कोई दोष, क्राइम माने कोई गलत काम, उसको हम क्राइम कहते हैं, है ना। आपने देखे होंगे क्राइम की वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा CID आता है चैनल पे किसी पे, खूब देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, उसमें क्राइम के बारे में ज़्यादा दिखाते हैं, यानी अपराध के बारे में ज़्यादा दिखाते हैं, किसने क्या अपराध किया तो कैसे ऐसा पुलिस पकड़ लेती है ना, तो उसको क्राइम कहते हैं। ये आपने मीनिंग का सुने। अब सारे बच्चों को एक काम करना है घर पे कि एक बार बार इसको पढ़ना है और इसको याद कर लेना है प्यारे बच्चों, है ना, जिससे कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम सिखाते हैं आपको पोएम कैसे पढ़ते हैं और इसका क्या इसका मतलब है इस पोएम का। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला लिखा है देखो ऑलवेज, जैसे अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर टेल अ लाई। देखो पोएम है, पोएम को थोड़ा गा के पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं। अभी मीनिंग बताएंगे आपको, पहले पढ़ लेते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज बी बोल्ड, नेवर बी शाई। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका। ऑलवेज माने होता है सदैव या हमेशा, स्पीक माने बोलना है या बोलो, ट्रुथ माने होता है सच, यानी कि हमेशा सच बोलो, सदैव सच बोलो। नेवर टेल अ लाई, नेवर माने कभी नहीं, टेल माने बोलो, लाई माने झूठ, झूठ कभी मत बोलो, सच हमेशा बोलो और झूठ यानी कि ये काम जो है हमेशा करने वाला, ये काम कभी ना करने वाला, यानी कि सच हमेशा बोलिए और झूठ कभी मत बोलिए। ऑलवेज बी बोल्ड यानी कि ऑलवेज माने हमेशा या सदैव, बी माने बनो या हो जाओ, बोल्ड माने बहादुर यानी कि हमेशा बहादुर रहो, बहादुर बनो। नेवर बी शाय, नेवर माने कभी नहीं, बी माने बनो या हो जाओ, शाही माने होते हैं शर्माने वाले, शर्मीले, शर्मिंद यानी कि शर्म करने वाले कह सकते हैं, यानी कि कभी शर्माओ मत, हमेशा बहादुर बने रहो। ये देखो कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं, कितनी अच्छी इसमें बात हम लोग को कही है इस कविता में। तो प्यारे बच्चों हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, किताबों से हमें सीखना चाहिए कि ये पंक्तियाँ जो हैं कितनी सुंदर बातें हमें बता रही हैं, ये हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो आगे लिखा है ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। ऑलवेज माने हमेशा, ओबे माने हमें बात माननी चाहिए, योर माने अपने, एल्डर्स माने होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में, है ना, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी, यानी कि हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी कह रही हैं कुछ, अब बच्चे सुन रहे हैं कुछ करते नहीं हैं, पापा कुछ कह रहे हैं तो सुनते नहीं हैं करते नहीं हैं, टीचर कुछ कह रहे हैं तो अपने मन की करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी किताब हमें समझा रही है कि हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। नेवर बीट योर यंगर्स, नेवर माने कभी नहीं, बीट माने पीटो, योर माने अपने, यंगर्स माने छोटे आपके भाई बहन हैं, उनको कभी मत पीटो। कुछ लोग होते हैं जो बड़े होते हैं छोटे भाई बहन को बार बार डांटते हैं, सताते हैं या थप्पड़ मार देते हैं, बच्चों ये हमें कभी नहीं करना चाहिए और बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। देखो आगे की दो लाइनें और बची हैं, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। ऑलवेज डू योर ड्यूटी इन टाइम, ऑलवेज माने हमेशा, डू माने करो, योर माने अपना, ड्यूटी माने काम या कर्तव्य, इन टाइम माने होता है समय पर, यानी कि आपके जो फ़र्ज हैं, आपका जो कर्तव्य, आपका जो काम है वो हमेशा आपको अपने समय पर करना चाहिए या करिए। नेवर डू एनी काइंड ऑफ क्राइम, नेवर माने कभी नहीं, डू माने करो, एनी काइंड माने किसी भी तरह का, क्राइम माने होता है अपराध, यानी कि ये जो काम है ये हमें ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए और ये जो काम है हमेशा करना चाहिए, यानी कि हमेशा अपने कर्तव्य का पालन हमें समय पर करना चाहिए और करना होता है। नेवर डू एनी काइंड ऑफ क्राइम, नेवर माने कभी नहीं, डू माने करो, एनी काइंड किसी प्रकार का, क्राइम माने होता है अपराध, यानी कि हमें कभी किसी तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपको कितनी अच्छी ये कविता कवि ने दी है आपकी किताब में, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और मिलता है, किताबों से हम लोग सीखते हैं, किताबों से बढ़ते हैं और किताबों से अच्छे इंसान बनते हैं। तो प्यारे बच्चों किताबों को हमें एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एक गुरु मानना चाहिए और किताब हमारी होती ही गुरु हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं, इस पोएम में इतनी अच्छी सुंदर बातें लिखी हैं जो आप बहुत महंगी महंगी बुक्स लाओगे शायद उसमें ना मिलें, या बहुत अच्छे पैसे खर्च करके कहीं जाओगे तो शायद वहाँ सुनने को ना मिलें। तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी, और अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए हमने ये पोएम आपको पढ़ाई, इससे पहले इसके इधर ये जो मीनिंग्स हैं ये आपको पढ़ाए, अब प्यारे बच्चों आपको ये मीनिंग जो है घर पे
खूब अच्छे से याद करने हैं, और जब भी हमारी आपकी मुलाकात हो क्लास में तो आपको ये हमें सुनाने हैं, और इस पोएम को आपको रिसाइट करना है, दोहराना है, बोलना है, बोल बोल के यानी कि पढ़ना है, और अपने परिवार के साथ बोल बोल के सुनाना है, और इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करना। बच्चों हमने इसके एक एक शब्द की अलग अलग हिंदी बताई थी आपको, तो हमें उम्मीद अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है या ठीक से वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं आप जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। बस आपको एक काम ध्यान से करना है, आप जब भी पढ़ें थोड़ा बोल बोल के पढ़ें, भले ही आप गलत बोल पा रहे हैं, ऑलवेज को भले ही कुछ भी बोल रहे हैं आप, तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने परिवार के साथ जो बड़े भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, कोई भी आपके साथ बैठे हैं, तो आप बोल बोल के पढ़िए ज़ोर ज़ोर से, तो आपको जल्दी पढ़ना आएगा। बोल बोल के पढ़िए ज़ोर ज़ोर से, और एक नियम बांध लीजिए कि आपको एक पेज रोज़ पढ़ना है। कुछ बच्चे कभी पढ़ लिया एक आध हफ्ते में, कभी पूरे हफ्ते देखा ही नहीं, तो बच्चों ऐसे आप पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। आपको डेली पढ़ना है, रोज़ एक समय बांध लीजिए कि हमें 10 मिनट एक रोज़ पढ़नी है इंग्लिश या हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है जो इसमें आप कमज़ोर हैं, तो आपको वो चीज़ रोज़ पढ़नी है, बोल बोल के पढ़नी है, तो आपको गारंटी से हिंदी भी पढ़नी आ जाएगी और इंग्लिश भी पढ़नी आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको हमारे साथ, और हम ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छी वीडियोज़ और अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ आपके इस अपने चैनल RP पब्लिक स्कूल जोगीठहर में, और आनंद लीजिएगा अपनी पढ़ाई का। धन्यवाद।